स्टूडेंट्स, आपने बहुत से एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए होंगे। उन्हें एग्ज़ाम्स में टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, दोनों ही एग्ज़ाम में आपके पास कोई ना कोई टॉपिक ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अटैम्प्ट ज़्यादा करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक प्रीवियस वीडियो में शेयर कर की है। अभी आगे की जो ट्रिक्स हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में ट्रिक शेयर की थी उसको रिमाइंड करा देते हैं। वो ट्रिक क्या थी? आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना होता है तो सिंपल आप ये करें, जो ये दो नंबर लिखे हैं उन दोनों नंबर का स्क्वायर करिए। 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, प्लस 4 इंटू 1 इंटू 20 टाइम, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 80 आ गया। नेक्स्ट है, इसको प्लस करके लिखेंगे, 196। तो आप देख पा रहे हैं कितना ईजिली आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास 26। जब आप 26 के साथ यही मेथड अप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर 4, सो 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, प्लस 20 टाइम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 जा 12, 2 जा 24, 0। इसको आप ऐड करेंगे, 6 7 6, 37 का करते हैं सिमिलर वे में, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 7 3 7 जा 21, 20 टाइम कितना होगा, 42 0 इक्वल्स टू 9, 4 2 6, 9 4 13। तो आप 9 4 2 6, 9 4 13। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितना ईजीली आपने ये कैलकुलेशन की है। अगर आपके पास इसी वे में कोई नंबर्स आते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होता है तो आपको सिंपली इनको याद रख लेना है कि किस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो यही स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिनके बारे में यूजुअली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर सपोज कर लेते हैं कोई नंबर है जिसका स्क्वायर आपको करना है और वो किसके पास है, 100 के आसपास है, तो 100 के आसपास आपको क्या करना है, 103 है ये, आप 103 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 103। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब आप ये देखेंगे ये 103 जो है वो कितना ज़्यादा है 100 से, 3, ये कितना ज़्यादा है 100 से, 3। तो आप सिंपल ये करेंगे, 3 3 जा 9, और ये जितना ज़्यादा है 106, इसको इसमें ऐड करके लिख देंगे, आपका आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपको ये देखना है कि अगर ये नंबर 100 से बड़ा है तब आपको इसमें प्लस करना है, और ये भी क्रॉस वाला प्लस करना है। अगर आपका ये नंबर कोई और भी हो सकता है, किसी और से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब ये आपको क्रॉस में ही याद रखना है आपको स्क्वायर करते हुए भी। इसी तरह से हम ये देखते हैं 98 को आप जब 98 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, आपको ये आप देख लेते हैं, ये कितना दूर है 100 से, 2, ये कितना दूर है, ये भी 2 है, 2 2 जा 4। अब आपको क्रॉस में यहाँ पर आपने ऐड किया था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल 98 - 2 इक्वल्स टू 96। तो आप देख सकते हैं 98 का स्क्वायर आपके पास फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास, ये तो आपके पास स्क्वायर था 100 के आसपास वाले डिजिट्स का, ये है आपके पास 100 के आसपास वाले डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग डिजिट हैं जो कि 100 के पास की हैं, आपको सिंपल इतना करना है, इसी वे में इसको लिख लेना है। सपोज़ ये 104 है, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 102 ये कितना दूर है 100 से, 2, और ये 104 कितना डिस्टेंस पे है, 4। सिंपल आपको इसका मल्टीप्लाई लिख देना है, 4 2 जा 8, और
आपको सिर्फ इतना करना है, ये क्रॉस में इसको अगर ये 100 से ऊपर है तो प्लस कर देना है, और 100 से नीचे होता तो ये माइनस कर देना है। आप इस वाली डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इससे ऊपर वाली डायरेक्शन में ले सकते हैं, रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा। आप देख सकते हैं 102 माइनस 4 का अगर सॉरी 102 प्लस अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 106 आएगा, और 104 में 2 प्लस करेंगे तो 106 आएगा। तो 106 दिस इज़ द आंसर। अब ये आपके पास है 100 से नीचे वाले डिजिट, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये 97 जो है 100 से कितना दूरी पर है, 3। 98 कितना दूरी पर है, 2। आपको क्या करना है, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 3 6। अब ये तो इसको आप माइनस कर लीजिए या इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 97 में से 2 अगर आप माइनस करेंगे तो भी 95 आता है, 98 में से 3 माइनस करते हैं तब भी 95 ही आपको मिलेगा, तो आपका ये आंसर आपको मिल जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, 100 के पास वाले, 100 के आसपास वाली जो डिजिट्स होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, ये स्क्वायर करना सीखा आपने। नेक्स्ट है आपके पास कुछ ऐसी डिजिट्स होती हैं जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस पर मतलब 5 होता है, तो ऐसी डिजिट्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना होता है तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है आपको करना ये है, जो यूनिट प्लेस पर वैल्यू है 5 इसका आप स्क्वायर लिख देते हैं, 5 5 25। आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसको आपको उससे नेक्स्ट डिजिट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 × 4 3 × 4 = 12। तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 65, 5 का आपको स्क्वायर करना है, 5 5 = 25। नेक्स्ट है आपके पास 6 से जो नेक्स्ट डिजिट होती है 7, 6 7 = 42। हेयर इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 125। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आप को जो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर 5 का तो स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 = 25। अब आपको यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई करनी है 13 से, 12 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 13 से, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 20 तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, बल्कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 30 तक क्रैम कर लीजिए, उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ना हो। तो आप यहाँ पर अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ यहाँ से, अभी आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कर लेते हैं आपने मल्टीप्लाई करना है 2 × 3, तो सपोज 2 × 1 करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ 2 को 1 टाइम काउंट करना है, 2 × 2 कर लेते हैं तो 2 × 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम काउंट करना है, तो या फिर 2 को 2 टाइम ऐड कर लेना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने का सेंस ये है, 2 को 3 टाइम ऐड कर लेना है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइम से मल्टीप्लाई उसको किया जाता है उतने ही टाइम उसको ऐड किया जा रहा है, ये सेंस होता है उसका। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 12 को 13 टाइम ऐड करना है, तो आपको ये पता है 12 को 12 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वह 144 मिलता है हमें इसको स्क्वायर मालूम है, लेकिन इसमें 13 टाइम है तो एक और 12 ऐड कर दीजिए, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको 12 को स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद उसमें 12 प्लस कर दीजिए, तो 44 ये है, 2 प्लस किया आपने 46 हो गया, 10 और प्लस करेंगे तो 56 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 156। तो आपके लिए देखिए कितना आसान हो जाएगा, जब आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजिली वे में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 58 × 52। देखिए ये भी एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, ये बिल्कुल इसी वे में काम करता है। आपको यहाँ पर पहचान कैसे करनी है, इसकी पहचान ये होती है इसकी कि इसकी जो 10th प्लेस वाली डिजिट होती है वो सेम होती है, 10th प्लेस वाली डिजिट सेम होगी और जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी उनका समेशन 10 होता है, तो आपको सिंपल यूनिट प्लेस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, 8 2 16,
और टेंथ प्लेस वाली डिजिट से नेक्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना है। फाइव का नेक्स्ट डिजिट होता है 6, 5 6 30। नेक्स्ट आपके पास 67 और 63। आप इसको मेरे साथ ही करने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21। जो टेंथ प्लेस पर डिजिट हैं उनको आपस में देखना है सेम है, और उससे नेक्स्ट वाले डिजिट से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 का नेक्स्ट डिजिट होता है 7, 7 6 42। तो बहुत इजी वे में आप इसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं। ये ट्रिक्स आप यूज़ करके अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, और उस टाइम को आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अभी आपके पास है 3 डिजिट वाला नंबर। अब 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कैसे करना होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर है 114111। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट हम ये वाला लगा सकते हैं या ये वाला लगा सकते हैं, ये 100 के पास वाली डिजिट्स हैं, ठीक है। बस इसमें करना आपको ये है 114111। आप ये बताइए ये इसका डिस्टेंस इससे कितना है, 14 का है। इससे इसका कितना डिस्टेंस है, 11 का है। तो अब हमें 11 का और 14 का मल्टीप्लाई करके लिखना होगा यहाँ पर। पर जो 11, देखिए आपका 14 का अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो हमें 11 टाइम करना है ना इसका, या फिर हम 11 को इसका 14 टाइम कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, 14 और 11 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 14 और 11 का मल्टीप्लिकेशन। तो आप यहाँ से, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 11 को 11 टाइम करते हो तो 121 आता है, 11 को 11 टाइम करते हो तो 121 आता है। बाकी इसमें और कितना बचा, 3 टाइम, वो 3 टाइम इसमें ऐड कर दीजिए, 33, ठीक है। तो आपको करना ये है कि ये 20 है और ये 30 है, ये 50 हो गया है, और ये आगे के 3 और 1 4 हैं, तो ये 54 हो गया, 154 आता है। इट मीन्स तो 154 में से आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है 54। अब जब ये आपने 54 लिख दिया है, इस 54 का आपको ये कैरी 1 यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है ये इससे इसमें ऐड करना है या इसमें ये वाला ऐड करना है। आप ऐड करके देखिए, 14 में 11 ऐड करिए या 11 में 14 ऐड करिए, तो दोनों क्या आएंगे, 25 25, और ये क्या हो गया, 26। तो 125 और 126, ये आपका आंसर आ जाता है। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने 3 डिजिट वाला भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब 3 डिजिट वाले का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 43 इंटू 43। अभी तक हमने आपको ये वाली जो ट्रिक्स बताई थी, आपको इनको स्पेसिफिक होंगी अगर ये आपके पास अवेलेबल तो ही इन्हें लगाएंगे, अदरवाइज़ आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन में जो नेक्स्ट आपको बताई जा रही है ट्रिक उसको लगाना सही रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है आपके लिए वो मैं बता देता हूँ, 43 है सपोज़, ये आप किसी भी रैंडम नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 43 है, तो आपको करना ये है कि आप इसी वे में इसको लिख लीजिए, 43 और 43, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इन डिजिट्स की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए पैटर्न आपको याद रखना है, पैटर्न याद रखेंगे तो ही आंसर सही मिलेगा। पैटर्न आपको क्रैम कर लेना है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया इन डिजिट्स का, अब पहले आप ध्यान दे दीजिए, ये आपके पास चाहे स्क्वायर हो नंबर्स का, चाहे ये कोई रैंडम नंबर हो जिनका आपको मल्टीप्लाई करना है, कंडीशन इज दोनों जो नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, 2 डिजिट में होने चाहिए, 3 3 9, ठीक है। अब ये अगर स्क्वायर में है या अलग अलग कोई नंबर है, तो अगर अलग अलग नंबर होंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है दोनों नंबर्स की, या दोनों को आपस में ऐड करना है। और अगर ये स्क्वायर है
तो सिर्फ एक नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 4 3 12, और ये भी तो 4 3 12 आएगा, अगर ये अलग नंबर होता तो अलग आता, तो फिर आप इसको ऐड करते, पर आप यहाँ क्या करते हो 4 3 12 और 12 का 2 टाइम कर दीजिए, 12 2 24, 24 का 4 और कैरी क्या बचा 2। अब आपको यही यहाँ पर अप्लाई करना है 4 और 4 की मल्टीप्लाई करके, 4 4 16, 16 में 2 काउंट करेंगे और ज़्यादा ऐड करेंगे, 16 2 18, तो ये आपका देखिए आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, देखिए ये आपको मैंने करके दिखाया है, आप इसको इसी लाइन में भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया, तो यूनिट पर प्लेस पर यहाँ पर क्या है 3, तो आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 3 9। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि जो 10th प्लेस वाली डिजिट है उसको दूसरे नंबर की यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पर 10th प्लेस पर डिजिट है उसको दूसरे नंबर की यूनिट प्लेस से करना है, पहले नंबर की यूनिट प्लेस से करना है, तो यहाँ पर 10th पर ये है, यूनिट पर ये है, और यहाँ 10th ये है और यूनिट ये है, सॉरी यहाँ यूनिट ये है और ये 10th ये है, ठीक है। तो यानी कि इनका ये मल्टीप्लिकेशन और इसका ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 4 10th पे है, ये यूनिट पे है, 4 3 12 और 3 6 18, तो इधर 12 मिला इधर 18 मिला, 12 और 18 30, 30 का 0 और कैरी 3। अब आपको यहाँ पर देखिए 10th प्लेस पर डिजिट जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 और 6 हैं यहाँ 10th पर, तो आपको इनका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 6 24 24 3 27। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया है सिर्फ एक सिंगल लाइन में। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसके अकस्टम्ड हो जाएंगे और आप इतनी आसानी से ये सब चीज़ें कर पाएंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं 5 से मल्टीप्लिकेशन। 5 से मल्टीप्लिकेशन वैसे तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई करते भी जा सकते हैं, बट जब हम किसी चीज़ को राउंड फिगर में लेके आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इसको राउंड फिगर में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। तो 10 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने का सेंस ये है, आप सीधे सीधे इस वाले नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ और डिजिट आएगी, पर अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, 1 1, कैरी 1 था, 7 1 4, सॉरी 2 2 4 1 5। तो देखिए कितना आसान हो गया है आपके लिए इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट है आपके पास 2 3 4 5, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से। यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर में हमने ऐड कर लिया 12, यानी कि 12 का ये 13 टाइम हो चुका है, तो यानी कि एडिंग वाला प्रोसेस यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 से मल्टीप्लाई ना करके आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब ये है कि इसका 10 टाइम हो गया ये, तो सीधे 10 टाइम होने का मतलब 0 ऐड हो गया इसमें। अब आपने इसमें 0 ऐड कर दिया है, 0 ऐड करने के बाद ये तो ज़्यादा हो गया ना, हमारे पास तो 9 टाइम चाहिए था, हमें 9 टाइम लाने के लिए हमें इसका एक टाइम इसमें से घटाना पड़ेगा, तो जो एक टाइम था वो ये था 2 3 4 5, आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 4, 4 में से 4 गया 0, इधर बचा 4, 4 में से 3 गया 1, इधर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और ये 2। तो आपने ये देखा कितनी आसानी से आपने ये नंबर कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी तरह से आप और भी जो नंबर होते हैं, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आती है 9 से, तो आप उसे सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और उस नंबर को उसमें से माइनस कर दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा।
आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं एडिशन से और सब्सट्रैक्शन से। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन का ही यूज़ करके आपको कैलकुलेशन करना बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 11 से, ठीक है। 11 से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। 11 से मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही आसान होता है 11 से मल्टीप्लाई करना। देखिए, आप सिंपल फर्स्ट डिजिट जो है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर आप इसके नेक्स्ट डिजिट को इसमें जोड़ते चलिए, 549 437 34 3 2 5 and 2, हेट योर आंसर। आपने देखा कितनी आसानी से आंसर आपके पास मिल गया है, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। आप इन सब ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में जब आप पेपर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, कोई भी आप 3-डिजिट नंबर ले लीजिए, उनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसी वाली ट्रिक से आप 3-डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन कर। सपोज कर लेते हैं आपको अभी मल्टीप्लाई करना है 3-डिजिट को, आप इसी मेथड से इन 3-डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जब इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा और उसी वे में आपको प्रोसीड आगे भी करना है। तो सिंपल, हमने जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था तो ये, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करके इनका एडिशन और फिर ये वाली मल्टीप्लिकेशन की थी। अब इसमें भी यही रूल लगेगा, पहले इन 2 डिजिट्स में इधर वाली में, फिर इन 2 में, और बीच में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसका। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 को 3 से, 6 3 18, कैरी 1। तो आप इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको आपको थोड़ा अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 9 2 3, देखिए आपको इसका मल्टीप्लाई करना है सेम वे में जैसे हमने 2-डिजिट वाले में किया गया था, 6 3 18, कैरी 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है जैसे हमने 2-डिजिट वाले में किया था, 4 3 12, 6 2 12, 12 12 24 24 1 25, कैरी 2। फिर आपको ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में ये और ये, देखिए 3 3 3 3 9, 9 6 54, 54 में अगर आप 9 प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 54 और 9 हो गया 63, 63 4 2 8, अब 63 में 8 प्लस करना है तो ये हो गया 71, अब 71 में कैरी प्लस करना है 73 हमने लिखा यहाँ पर और कैरी 7। देखिए हमने क्या किया, दोबारा से समझ लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, इन दोनों का एडिशन किया और फिर उसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसमें और ऐड किया और फिर कैरी भी ऐड करना है। नेक्स्ट है सेम अप्रोच करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कैरी 7 बचा है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इस वाले डिजिट का इससे, इस वाले डिजिट का इससे, 3 2 6, 9 4 36, अब ये 36 में 6 ऐड करना है तो कितना हो गया, 36 और 6 42 42 और 7 49 49, 9 लिखा यहाँ पे, कैरी 4, 9 3 27 27 और कैरी 4 31। ये देखिए सिंगल रो में आप आंसर निकाल सकते हैं 319358। तो इस अप्रोच से आप 3-डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए
और प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आप इससे फैमिलियर ना हो जाएं। तो हम इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं। सब 36 ले लेते हैं हम और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 535। 336, 535, ये कोई भी रैंडम नंबर हमने ले लिया है। तो आपको क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30 carry 3, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, 3 5 15, 6 3 18। अब 15 और 18 को जब आप प्लस करते हैं, 15 2 30 और 3 33, 33 और 3 36, कैरी फिर से 3। अब आपको क्या बताया गया था, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका इससे, और दोनों को जोड़ने के बाद इसके मल्टीप्लिकेशन को इसमें और ऐड करना है। 3 5 15, 6 5 30, 15 और 30 45, और 45 और इसका और ऐड करना है, 3 3 9, 45 में जब 9 ऐड करेंगे तो 54, 54 में 3 ऐड करो 57, 57 का 7 और कैरी 5। अब इसका इस वाली डिजिट से और इसका इस वाली डिजिट से, 3 3 9, 5 3 15, 15 प्लस 9, 15 में अगर 10 प्लस करो तो 25, तो एक कम हो जाएगा 24, 24 और 5 29, 29 में 2 यहाँ हमने लिखा और कैरी 2, 3 5 15 और 2 17। ये आपका आंसर हो गया है 17 9 7 6 0। तो इस तरह से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो आप बहुत इजी वे में उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखने वाले हैं स्क्वायर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए, चलिए देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो आपको ये स्क्वायर्स याद रखने हैं कि कौन सी डिजिट का स्क्वायर क्या होता है, इसके बेस पर हम बहुत सारी चीज़ें आगे फाइंड आउट करते हैं। आपके लिए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं जो कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो और भी जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखने के लिए तैयार रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।